28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 2736 सेंटर्स पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2021 का आयोजन किया जाना था, जिसके अंतर्गत दो पालियों में परीक्षाएं होनी थी। इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा ये अधिसूचना एकत्रित की गई थी कि कुछ लोग पेपर को लीक कराने तथा सॉल्वर्स को परीक्षा में बिठाकर परीक्षा के पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं तथा पेपर आउट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में कुल 26 लोगों को विभिन्न केंद्रों से गिरफ्तार किया गया तथा जो दस्तावेज इनके पास से मिले उससे ये चीज साबित हो गई कि ये प्रश्न पत्र परीक्षा में आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसको तत्काल पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए FIR दर्ज कराई गई और पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ उत्तर प्रदेश को दी गई तथा जो भी विवेचनाएं जो भी अपराध पंजीकृत हुए थे उनकी विवेचना की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई। इस क्रम में एसटीएफ ने एक मुकदमा अपनी ओर से भी थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में दर्ज किया तथा इस संबंध में जिस व्यक्ति को टीटी के प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेदारी दी गई थी उस कंपनी के डायरेक्टर अनूप प्रसाद को दिनांक 30 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा उसी क्रम में आगे कार्रवाई करते हुए बीती रात एसटीएफ नोएडा तथा सूरजपुर कमिश्नरेट नोएडा के टीम ने यूपी टेट परीक्षा 2021 के परीक्षा नियंत्रक और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय कुमार उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। इनसे व्यापक पूछताछ के उपरांत आईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पेपर आउट करने तथा परीक्षा की सुचिता पूर्वक सफल परीक्षा को सुचिता पूर्वक सफल न कराए जाने में इनकी संलिप्तता पाई गई है। इन्होंने बिना किसी सत्यापन के एक ऐसी एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया था जो इस गोपनीय कार्य को करने में सक्षम नहीं थी, ना ही इनके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा ही उपलब्ध थी। ये 1995 बैच के PCS परीक्षा के दौरान उत्तीर्ण हुए अधिकारी थे और जो BSA के पद पर पूर्व में नियुक्त रहे तथा 2020 में जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर प्रोन्नत हुए थे। ये जनपद गौतम बुद्ध नगर में डायट प्रधानाचार्य के पद पर भी नियुक्त रहे हैं। संजय कुमार उपाध्याय को न्यायिक हिरासत में भेजने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस प्रकरण में कुल 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश एसटीएफ तथा जनपदों की पुलिस लगातार इस गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयासरत है।